तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि आपसे मैंने वीडियो के थंबनेल और टाइटल में भी आप लोगों ने देख ही लिया होगा, आधार कार्ड की मदद से दोस्तों हम यूपीआई का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन से बैंक में हम यूपीआई का यूज़ कर सकते हैं और उससे दोस्तों यूपीआई पिन कैसे सेट करते हैं और सेट करने के बाद दोस्तों फ़ोनपे पेटीएम गूगल पे किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इसी के बारे में दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप लोग दोस्तों इस तरीके का वीडियो सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पर और अभी तक आपने काफ़ी वीडियो देखा होगा मुझे पता है दोस्तों, ठीक है, लेकिन अगर आपका काम नहीं बन पाया दोस्तों तो इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ऐसे तरीके बताने वाला हूँ दोस्तों जिसके मदद से आप बेहद ही आसानी से दोस्तों आप लोग जो है बेहद ही आसानी से यूपीआई का यूज़ कर सकते हैं सिर्फ आधार कार्ड की मदद से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आपको डिटेल में दिखाते हैं दोस्तों कि किस तरीके से हम आधार कार्ड को दोस्तों यहाँ पर फ़ोनपे और गूगल पे पेटीएम का दोस्तों यूज़ कर सकते हैं सारे सर्विस का दोस्तों सिर्फ हम आधार कार्ड की मदद से। आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है, एटीएम कार्ड के दोस्तों बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए। तो सबसे पहले उसके लिए आपको क्या करना होगा, मैंने दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोनपे और गूगल पे और पेटीएम एप्लीकेशन तीनों एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको डाल के रखा हुआ दोस्तों। डायरेक्ट आप वहां पर सबसे पहले हमारे लिंक को वहां पर डायरेक्ट क्लिक करके दोस्तों लिंक को जैसे यहाँ पर क्लिक करो लिंक के ऊपर तो आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप अगर फ़ोनपे जैसे कि आप यहाँ पर आधार कार्ड से यूपीआई बनाना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको अपना मोबाइल के जैसे अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं दोस्तों तो आप अपना प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। अगर दोस्तों आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो आपको ऐप स्टोर को लॉगिन करना है, ओपन करना है और ओपन करने के बाद एक एप्लीकेशन को सर्च करना होगा। उसी एप्लीकेशन की मदद से हम सभी सर्विस का दोस्तों फ़ायदा उठा सकते हैं जिसका दोस्तों एप्लीकेशन का नाम है। आप प्ले स्टोर में या दोस्तों ऐप स्टोर में आएंगे, डायरेक्ट सर्च करेंगे यहाँ पर आप आकर के यूपीआई और यूपीआई लिख के सर्च करेंगे। जैसे दोस्तों सर्च कर देते हैं यूपीआई लिख के आपके सामने ये एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना होगा, मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ और डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आप जैसे डाउनलोड बटन में क्लिक करोगे एप्लीकेशन जो दोस्तों डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा और इस तरीके से आपको जो है सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इसके अंदर में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा जिसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है और चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ सारा जानकारी। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जो बैंक अकाउंट के साथ दोस्तों आपका मोबाइल नंबर लिंक है उसी मोबाइल नंबर से दोस्तों इस एप्लीकेशन के अंदर में आपको आना है और रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन हालांकि दोस्तों मैंने यहाँ पर पहले कर लिया है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने का कोई प्रोसेस बिल्कुल बड़ा नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना होता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर जैसे किस तरीके का फर्स्ट टाइम आओगे तो इस तरीके का दोस्तों सिम वेरीफिकेशन के लिए आपको बोला जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके का मेरा वेरीफिकेशन ले रहा है, ओके में क्लिक करेंगे आपको दोस्तों एक मैसेज सेंड किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक इस तरीके का आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं हम नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन जो है बिल्कुल हो चुका है और यहाँ पर दोस्तों रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम यहाँ पर फॉरगेट में क्लिक कर दें तो हमारे यहाँ पर जो है फॉरगेट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर लॉगिन की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, 4 अंक का पिन आपको यहाँ पर सेट करना होता है। सेट करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे अकाउंट नंबर मांग रहा है, यहाँ पर मैंने रजिस्ट्रेशन पहले से किया हुआ था तो चलिए मैं पुराने लॉगिन के साथ यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ पुराने पासवर्ड के साथ। लॉगिन होने के बाद दोस्तों आप जैसे आ जाते हैं फर्स्ट टाइम तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था 4 अंक का पिन आपको मांगेगा, तो वो 4 अंक का पिन आप जैसे सेट कर लेते हैं, सेट करने के बाद इस एप्लीकेशन के अंदर में आ जाते हैं। आने के बाद दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट को दोस्तों लिंक करना होगा जिसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे दोस्तों इस पर हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको प्लस आइकन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है एंड दोस्तों यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के लिए दोस्तों आप अब यहाँ पर है जो आपके सामने आ चुका है दोस्तों यहाँ पर आधार कार्ड से यूपीआई पिन बनाने का ऑप्शन यहाँ पर अभी आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको सर्च करना होगा कौन सा आपका बैंक है जिसमें दोस्तों आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है और आप आधार कार्ड से यूपीआई पिन बनाना चाहते हैं। तो हमारे पास दोस्तों हमारा जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, हम यहाँ पर दोस्तों सर्च करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों सर्च करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर बैंक आ चुका है, इस पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ से लिंक आपको कर लेना है। तो यहाँ पर चलिए मैं लिंक कर लेता हूँ इस पर टाइप करके। जैसे दोस्तों लिंक करोगे तो लिंक करने के बाद आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आने के बाद आपको क्या करना है, आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस निकल के आ जाता है। जो बैंक अकाउंट आपने ऐड किया है उस पर दोस्तों आपको इस तरीके का दो इंटरफेस अगर देखने को मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पर डेबिट कार्ड आधार कार्ड,
तो दोस्तों इसका मतलब है कि आपके बैंक अकाउंट के साथ दोस्तों आधार कार्ड वाला सर्विस जो है इनेबल हो चुका है। और यहाँ पर काफ़ी लोग जो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जो है उनको आधार वाला ऑप्शन शो नहीं करता है। तो यहाँ पर अगर आपको आधार वाला ऑप्शन यहाँ पर शो नहीं करता है तो आपको क्या करना वो भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर मुझे आधार कार्ड का ऑप्शन शो कर रहा है, आधार कार्ड में मैं क्लिक करूंगा एंड दोस्तों यहाँ पर प्रोसीड में क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट में क्लिक करेंगे। और एक्सेप्ट में दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, लास्ट में यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आधार फर्स्ट 6 डिजिट यहाँ पर दोस्तों आधार नंबर डालना है एंड यहाँ पर प्रोसीड बटन में क्लिक करना है। तो चलिए मैं डाल देता हूँ फटाफट से दोस्तों। और यहाँ से दोस्तों आप जो है अपना UPI पिन को बना लेंगे। तो जैसे दोस्तों आधार कार्ड का दोस्तों यहाँ पर डिटेल डालते हैं, डिटेल डालने के बाद आपको वहाँ पर आपके मोबाइल नंबर के साथ दोस्तों एक OTP आएगा। OTP दोस्तों डालने के बाद आपका OTP जो वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद दोस्तों आपको 4 अंक का UPI पिन आपको सेट करने के लिए बोला जाएगा। तो हमने यहाँ पर दोस्तों सेट कर लिया। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि मुझे फॉरगेट का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से दोस्तों आपका जो आधार कार्ड का नंबर अगर आपको शो नहीं करता है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर मेरा शो कर गया तो यहाँ पर दोस्तों आप फोन पे एप्लीकेशन को मैं लॉगिन करूंगा फटाफट से। और लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम प्रोफाइल ऑप्शंस में क्लिक करेंगे फटाफट से। और दोस्तों यहाँ से जो है हम अपना बैंक अकाउंट को लिंक कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को लिंक कर लिया है। अब दोस्तों इसी का मैं यूज़ करके जैसे कि यहाँ पर मैंने फ़ोन पे चला रहा हूँ, पेटीएम भी दोस्तों मैं इसी तरीके से आप चला सकता हूँ और यहाँ पर गूगल पे भी चला सकता हूँ। अगर दोस्तों आपको आधार कार्ड वाला ऑप्शन नहीं मिला हुआ तो आप दोस्तों अपने नज़दीकी एयरटेल पेमेंट बैंक दोस्तों ओपन करा लीजिए, आप कहीं पर नज़दीकी शॉप में जा करके और दोस्तों फोन पे बना सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों काफ़ी लोगों को आधार वाला फीचर जो है नहीं मिला है, काफ़ी लोगों को मिल चुका है, लेकिन जिनको मिल चुका है दोस्तों वो इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, तब ले जय हिंद, वंदे मातरम।